मैंने ये दालें ले ली हैं और इन्हें रात भर के लिए डिप कर देती हूँ। तो मैंने दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, तो चलिए इसे हम पीस देंगे और इसमें प्याज और हरी मिर्च भी ऐड कर देते हैं। दाल को मैंने वॉश कर लिया है और प्याज और हरी मिर्च कट कर ली है, तो चलिए इसे ग्राइंड करते हैं। तो मैंने दाल ऐड कर दी थी, इसमें है हरी मिर्च, प्याज को भी ऐड कर देती हूँ और तो चलिए इसे पीस लेते हैं। तो चलिए दाल को पीस लिया है, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो मैंने बर्तन ले लिया पैन, उसमें हमने इसे निकाल देते हैं और इसमें हम ऐड करेंगे कुछ हर्ब्स, और इसमें हम ऐड करेंगे सूजी और हर्ब्स। इसे मैंने निकाल दिया पैन में, थोड़ा सा एक दो चम्मच पानी डाल के, इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे, एक ही साइड को फेंटेंगे। तो मैंने सूजी ले ली है, तो इसे ऐड करेंगे इसमें। तो इसे मैं एक दो कड़छी भर के सूजी ऐड कर देती हूँ। तो इसे अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे, तो इसे सूजी वैसे अच्छी तरह से बीट कर देंगे। जब मिक्स करेंगे तो मैंने मसाले ले लिए हैं, पाव भाजी मसाला, कसूरी मेथी, सॉल्ट और चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग। तो चलिए इन्हें मैं इसमें ऐड कर देती हूँ मसालों को। सारे आपकी जो पसंद के मसाले हैं ना, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, ज़्यादा कम आप देख लें। मैं रॉक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। इसमें कसूरी मेथी, ऐड कर दें। आप चाहें तो धनिया वगैरह जो भी आपको पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ इसमें पाव भाजी मसाला, अपने टेस्ट के हिसाब से। चलिए इसे इनको ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें थोड़ी सी मैं ऐड करूँगी रेड चिल्ली, थोड़ी स्पाइसी बनेंगे ना तो अच्छे लगते हैं, और थोड़ी सी जो है इसे हम मसालों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसे हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे रेस्ट पे, इसे कवर कर देते हैं 15-20 मिनट के लिए। तो मैंने कैरेट को कद्दूकस कर लिया है और मैंने कॉर्न ले लिए हैं, थोड़ा सा कड़ी पत्ता। तो चलिए मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो बैटर मेरा तैयार है, तो चलिए आज इन्हें मैं बनाऊंगी। तो इन्हें मैं कटोरी में बनाऊंगी। तो मैंने कटोरी ले ली है, तो इन्हें चलिए ग्रीस कर लेते हैं कटोरी को। तो आप ऑयल या कोई भी इसे इनको ग्रीस कर लीजिए कटोरी को। तो चलिए फिर इसमें रखते हैं। तो मैंने कटोरियों को ग्रीस कर लिया है, इसमें मैं बनाऊंगी, पानी बॉईल हो रहा है। तो मैंने इनो ले लिया, तो इस बैटर में मैं एक पैकेट इनो का ऐड कर देती हूँ। तो इसे मिक्स करेंगे, इसे थोड़ा सा एक सिप पानी ऐड कर देते हैं। और अब हमने कटोरी एक लेनी है, इसमें हमने हाफ थोड़ा सा बैटर ऐड करना है। इसके बाद इसमें हमने थोड़ी सी कैरेट
इसमें हम थोड़ी सी कैरेट ऐड करेंगे, थोड़े से कॉर्न ऐड करेंगे, उसके ऊपर हम बैटर ऐड कर देंगे। हमने पूरी फिल नहीं करना, इस तरह से हम इसे स्टीमर में रख देंगे। हम इसे स्टीमर में रख देंगे, तो चलिए मैं बाकी कर लेती हूँ। इस तरह से हम इसे भर के इसमें कैरेट भरेंगे, कॉर्न इस तरह से ऐड करके। कड़ी पत्ता बच्चे खाते नहीं, तो मैं सिर्फ एक पे लगा रही हूँ, तो इसे हम इसमें ऐड कर देते हैं। इस तरह हम इसे स्टीमर में ऐड कर देंगे। इस तरह से इन्हें हम रख देंगे और ऊपर से इसे कवर कर देते हैं। ऊपर हम वेट रख देंगे और इसे छोड़ देंगे सिम गैस पे 10-15 मिनट के लिए। इधर जो मटेरियल बचा है उसमें मैं कड़ी पत्ता ऐड कर दिया, जो कॉर्न ऐड कर दिया और इसमें मैंने कैरेट ऐड कर दिया। तो चलिए मिक्स करके इसे भी बना लेते हैं। तो मैंने ये स्टैंड ले लिया है, इसमें हम भर देंगे इन्हें। इस तरह से इसमें हम भर देते हैं। इस तरह से मैंने भर दिया, तो इधर पानी इसमें भी गर्म हो रहा था, तो इसमें मैं रख देती हूँ इसे। तो इसे भी कवर कर देते हैं, क्योंकि ना ऑयली खाते नहीं बच्चे, तो इसलिए स्टीम बना लिया मैंने। तो ये मैंने लगा दिए हैं, चलिए धीरे धीरे पक जाएंगे, तो देखते हैं इनको। ये भी तैयार हो गए हैं, तो इनको भी निकालते हैं अभी। तो ये अभी पक रहे हैं, तो इसमें मैंने वेट रख दिया है, अभी सेट हो गया इसी पे। तो चलिए इसे खोल देते हैं। तो ये रेडी हो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं, थोड़ी देर इसे रख देते हैं, ये भी देखते हैं। ये भी रेडी हो गए हैं, तो चलिए इन्हें भी निकाल देते हैं बाहर। तो चलिए इसे खोल देते हैं। तो ये रेडी हो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं, थोड़ी देर इसे रख देते हैं, ये भी देखते हैं। ये भी रेडी हो गए हैं, तो चलिए इन्हें भी निकाल देते हैं बाहर। तो चलिए इन्हें ना बाहर निकाल लेते हैं। इसे हम इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं। ये स्टीम्ड करके ना बहुत ही डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं। इसमें मैंने वेजिटेबल्स भी ऐड करे हैं, इस तरह मैं सारे निकाल लेती हूँ बाहर। तो ये मैंने निकाल दिए हैं, तो अभी दूसरे निकालते हैं। तो ये मैंने निकाल दिए बाहर, ये बहुत गर्म है, थोड़ी देर में इन्हें हम निकालते हैं बाहर। तो ये भी तैयार हो गई है और ये भी तैयार हो गई है।